हेलो देर, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट क्लास टेंथ के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। नाउ इससे पहले कि मैं आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में बताऊं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जहां पर हम लोग समझेंगे व्हाट इज अ रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो अगर हमें यह जानना है दैट व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, बिफोर दैट हमको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट आर चेंजेस। देखिए, चेंजेस का मतलब क्या होता है? बदलाव। चेंजेस का मतलब क्या होता है? बदलाव। और हमने हमारे जो लोअर क्लासेस थे वहां पे ये समझ रखा था कि चेंजेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। लेट्स से आई हैव अ पीस ऑफ पेपर विथ मी। अब मैं क्या करता हूं, इस पेपर को बीच में से फाड़ देता। तो मैंने क्या कर दिया, इस पेपर के दो टुकड़े कर दिए। और मान लो अगर मैं किसी टेप को यूज करता हूं, उस पेपर को चिपका देता हूं, तो मोटा मोटी ये पेपर वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। मतलब इसमें कुछ खास बदलाव हुआ नहीं, और मैं यहां पे कह सकता हूं कि आई कैन रिवर्स दिस चेंज। सो दिस चेंज, डियर स्टूडेंट्स, विच कैन बी रिवर्स्ड इज रिफर्ड टू एज अ फिजिकल चेंज। ऐसा बदलाव जिसे आप वापस रिवर्स कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल अवस्था में पहुंचा सकते हैं, ऐसे बदलाव को कहा जाएगा एक रिवर्सिबल चेंज या फिर एक फिजिकल चेंज। ठीक है, अब तुमने क्या करा, तुमने ली एक मोमबत्ती और इस पेपर को जला दिया, तो क्या कोई बदलाव हो रहा है? हाँ जी, जरूर हो रहा है। पेपर जो पहले व्हाइट कलर का था, अब वो तब्दील हो गया किसके अंदर? ब्लैक कलर के अंदर। पेपर जिसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी थी, अब वो एकदम 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 पाउडरी फॉर्म में हो सकता है अगर मैं इसे क्रम्बल कर दूंगा तब। तो क्या इस काले कार्बन को मैं वापस उसी अवस्था में ले जा सकता हूं जैसा पहले था, सफेद? नो दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो आई कैन से दैट दिस चेंज इज नॉन रिवर्सिबल। सो ऐसा नॉन रिवर्सिबल चेंज जो होता है बच्चों, उसे कहा जाएगा एक केमिकल चेंज। एक फिजिकल चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, जबकि एक केमिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता नहीं है। ठीक है, अब इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गई है तो मैं आपको बताता हूं इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, फिजिकल के एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है, बच्चों फिजिकल के एग्जांपल में आ सकता है इवोपरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आपके पास पानी था लिक्विड स्टेट में, आपने उसे गर्म किया तो वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया, गैस में कन्वर्ट हुआ, भाप में कन्वर्ट हुआ। अगर आप उसको वापस ठंडा करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है वो वापस। सो इवापोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आपने मोमबत्ती जलाई, ठीक है, मोमबत्ती जो थी वो सॉलिड अवस्था में थी, आपने क्या कर दिया, जलाने पर देखा कि वो लिक्विड हो गई। थोड़े ही समय पर जब वो ठंडी होती है तो वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उसने वापस अपना एक्चुअल स्टेट हासिल कर लिया। और लास्टली आप समझो कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी को जब आप फ्रीजर में डालते हो ना, तो क्या हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता। बट अगर आप उसको वापस बाहर निकालते हो तो आप क्या देखते हो, वो जो सॉलिड वाटर था वो वापस क्या हो जाता है, मेल्ट होता है, पिघलने लगता है और वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑल दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड हेंस दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। देन व्हाट अबाउट केमिकल चेंज? केमिकल चेंज जो होते हैं बच्चों, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप समझ लो आपके पास मिल्क था, वो मिल्क आपने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कर्ड में। दूध था, उसको गर्म करा, थोड़ा सा दही डाल दिया और छोड़ दिया रात भर, आपने देखा कि वो दही जो था बन गया। पर क्या आप इस दही को आप दूध में तब्दील कर सकते हो? नहीं हो सकता ना, नॉन रिवर्सिबल हो गया। उसी तरीके से आप समझो कि आपके पास में लोहा था, अब लोहे के ऊपर जंग लग गया, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई, तो क्या इस जंग लगे हुए लोहे को आप एक्चुअल उसी स्टेट में ले जा सकते हो जैसा वो पहले था?
नहीं ले जा सकते हो, इसका मतलब ये भी कौन सा चेंज हो गया है, नॉन रिवर्सिबल, दैट्स अ केमिकल चेंज। एंड लास्टली हमारे सर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया करते थे, वो कहते थे जैसे समझो कि गौरव तुमने पालक पनीर खाई, अब पालक पनीर तो है बच्चों देखो हरे कलर का, बट जब मैं इसको खाता हूँ, मेटाबोलाइज करता हूँ, डाइजेस्ट करता हूँ, तो ये हरे कलर का पालक पनीर अगले दिन जब मेरे शरीर के बाहर निकलता है ना, ये ग्रीन कलर जो था स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाता है येलो में। तो क्या इस फीस को, इस फीसिस को क्या मैं वापस तब्दील कर सकता हूं पालक पनीर में? बहुत ही एब्सर्ड सा एग्जांपल लग रहा है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई नीडेड टू गिव दिस थिंग टू यू। तो ये जो है डाइजेशन ऑफ फूड इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। गिव मी अ मिनट, डाइजेशन ऑफ फूड। सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड के चेंजेस क्या होते हैं, दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, अगर ये समझ में आ चुका है तो मैं आगे बढ़ूंगा और समझूंगा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर बेसिकली द केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन में कुछ नई दहाड़ नहीं मारी जा रही है, केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस होते हैं, और ये केमिकल चेंजेस जो मैंने आपको बताए वो रिवर्स हो सकते नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस जहां पर केमिकल चेंज होता है। ऑलराइट, चलो अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं व्हाट इज अ केमिकल चेंज, सॉरी आई मीन केमिकल रिएक्शन। राइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट केमिकल रिएक्शन। So, अगर एक जनरल सेंस में आपको पूछा जाए, अगर आपको एक एक गवार की भाषा में पूछा जाए कि भैया बताओ चलो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस है वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन to form products, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पर दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हो और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हो उसे कहा जाएगा एक केमिकल रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट अगर मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये है एक रिएक्टिंग स्पीशीज, ऐसी चीजें जो आपस में जुड़ेंगी। तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज जो है ये कोई एटम हो सकती है, कोई मॉलिक्यूल हो सकती है, या फिर ये कोई आयन हो सकती है। ठीक है, आयन्स आपने देखा होगा जैसे Ca2+ लिखा जाता है, Cl- लिखा जा रहा है, ये सब क्या है? ये सब जो है ये सब आयन्स है। ठीक है, चलो तो प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट आर न्यूली फॉर्म्ड स्पीशीज, जो नई बनी है वो हो गई हमारी प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब कुछ ज्यादा ऊपर का हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इसे मान लो ए और बी था, ये दोनों आपस में जुड़ा और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? इन्होंने फॉर्म कर दिया सी। तो बच्चों ये ए और बी जो हो गए ये क्या बन गए? हमारे रिएक्टेंट बन गए। ये क्या बन गए? हमारे रिएक्टेंट। और सी जो है ये क्या बन गया? हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में मैंने एरो दे रखी है। ये जो एरो है ना बच्चों, ये एरो क्या बताती है? ये एरो बताती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आगे जाके हम समझेंगे ये डायरेक्शंस क्या होती हैं। तो फिलहाल क्योंकि इंट्रोडक्शन ही लिया जा रहा है तो मैं बहुत ज्यादा विस्तार में इसमें जा नहीं रहा। आपको मैं बता चुका हूं कि रिएक्टेंट क्या है और एक प्रोडक्ट क्या है। तो एक एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं केमिस्ट्री का, जहां पे आप समझ पाओगे हो क्या रहा है। जैसे मान लो हमारे पास में हाइड्रोजन था और हमारे पास ऑक्सीजन था। लेट मी पुट इट एज हाइड्रोजन एंड दिस गोज एज ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में जुड़ी और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया बच्चों? इन्होंने फॉर्म कर दिया वाटर। ठीक है, दिस इज अ वाटर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो दोनों चीजें हुई है ना बच्चों, ये जो दोनों चीजें हुई है ये क्या हो गई? रिएक्टेंट हो गई। वहीं पर ये जो हमने फॉर्म करा है, आजा भाई क्यों परेशान कर रहा है, चल मता, नाराज है मता, ये क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक रिएक्टेंट क्या था और एक प्रोडक्ट क्या था, ये हमें समझ में आ गया। ये दो हमारे रिएक्टेंट हो गए, ऑलराइट, ये हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और ये क्या हो गए? हमारे प्रोडक्ट हो गए। बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग एंड दैट इज द प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स
एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये बहुत 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 काम का है। ठीक है, इस पॉइंट को ना आप लोग क्या कर लो, एकदम अच्छे से हाईलाइट कर दो आपके नोटबुक में। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं चीज आपको बताऊंगा उससे शायद आपका होराइजन और ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। मोस्ट ऑफ यू वुड नो दैट, बट फॉर दोज हु डू नॉट नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इटसेल्फ इज अ फ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब ये बहुत ज्यादा जल्दी से आग पकड़ सकता है। ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, इट सपोर्ट्स कंबशन, मतलब ये दोनों ही चीजें क्या करने वाली है भैया, आग लगाने वाली है, हैं, धमाका कर देगी। बट इन दोनों के जुड़ने पर बना क्या बच्चों, इन दोनों के जुड़ने पर बना वाटर। वाटर क्या काम में आता है, आग जलाने के काम में आता है क्या, आग बुझाने में आता है? ये किस काम में आता है, ये आता है आग को एक्सटिंग्विश करने में, बुझाने में। तो आप समझ में बात आई है तुम्हारे के रिएक्टेंट और प्रॉपर्टी। अब जो प्रोडक्ट होगी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। रिएक्टेंट यहां पर इस केस में आग जलाने के काम आ रहे थे, आग लगा रहे थे, और वाटर इस केस में आग बुझा रहा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना आप लोग कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसी के तर्ज पर लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, हमारे पास सोडियम है, ये सोडियम को डाल दिया गया वाटर के, सो लेट मी राइट इट एज सोडियम एंड दिस गोज एज वाटर। अरे एक सवाल देखो यार, ये मैं सोडियम को Na क्यों लिख रहा हूं, वाई नॉट SO या S समथिंग लाइक दैट? बिकॉज सोडियम जो है ना उसका एक नाम है नेट्रियम। ठीक है, नेट्रियम नाम है सोडियम का और वहां से मैंने Na लिया है। ठीक है ना, वैसे पोटेशियम के लिए मैंने K लिखा था क्योंकि उसका नाम था केलियम या कालियम, पता नहीं जो बोलना है बोलो, बट स्पेलिंग ये लिखना। ठीक है, अब इन दोनों के जुड़ने पर फॉर्म हुआ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो क्या आप जो वीडियो देख रहे हो बच्चों, अगर आप लोग देख रहे हो, बने हुए हो और चीजों को समझ रहे हो, तो क्या आप मुझे बता पाओगे, क्या आप मुझे बता पाओगे कि ये सोडियम और वाटर क्या है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्या है? क्या आप लोग बता सकते हो ये दोनों चीजें क्या है, आई मीन रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है? बताओ। ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हो गए बच्चों और ये दोनों हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अब देखो ये एरो का जो कंसेप्ट था वो बताऊं मैं आपको। देखिए, सोडियम और वाटर आपस में जुड़ करके बना रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, तो इससे मुझे पता चला क्या डायरेक्शन के जो प्रोडक्ट है वो किसमें से बन रहा है, वो बन रहा है हमारे रिएक्टेंट में से। कई दफा मैं ऐसा उल्टा एरो भी लगा दूंगा, दो एरो लग जाएंगे, मतलब समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जब ये एरो लग रहा है तो उसका मतलब क्या कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे हैं। चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इन चीजों को थोड़ा दरकिनार करते और टॉपिक पे ही बने रहते, वो आपको समझ में आएगा जब आप आगे और इस चीज को थोड़ा सा डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, आई होप आप यहां तक मेरे साथ में हो, यहां तक की चीजें आपको समझ में भी आ रही हैं। इफ दैट इज द केस, वी विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप बोल रहे हो कि सर हमने रिएक्शन समझ लिया, आप बोल रहे हो कि सर हमको पता चल गया रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बट हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? सो फॉर दैट आई विल टेक यू टू अ टॉपिक दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई विल टेक यू टू दिस थिंग दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस तरीके से मैं जान पाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ? हमको पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक चेंज है ना, वी डू अंडरस्टैंड दैट केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर केमिकल चेंज होता है, और अगर ये जो मैं बता रहा हूं वैसे पांच चेंज अगर आपको किसी भी प्रोसेस में दिखते हैं तो आप कह पाओगे कि सर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहला चेंज कैसा है, सबसे पहला चेंज कौन सा है? सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। आप देखोगे कि आपके रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट का स्टेट अगर चेंज हुआ है, जैसे मान लो कि रिएक्टेंट सॉलिड में था और प्रोडक्ट जो था वो गैस में तब्दील हो गया, तो आप कह सकते हो भाइयों बहनों कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल जो है ये आगे मैं आपको जब आगे के वीडियोस बताऊंगा बनाऊंगा तो वहां पे समझा पाऊंगा। तो पहली चीज आप ध्यान में रखेंगे कि सर स्टेट में चेंज आ गया। दूसरा जो है चेंज वो क्या होगा, चेंज इन कलर।
अब इसके लिए तो मुझे लगता नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर के एग्जाम्पल लेके दिखाया था जहां पर हमारे पालक पनीर का जो कलर था वो चेंज हुआ था। ऑलराइट, चलिए दूसरा है चेंज इन कलर। तीसरा है यार इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस देखो यार, आपने चूना लिया, उस चूने को जब आप पानी में डालते हो आप देखते हो वहां पर क्या है, बबल्स उठते हैं, बुलबुले उठते हैं, तो वो क्या है, गैस इवॉल्व हो रही है जो हमें बता रही है कि वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा है चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो दो चीजें होती है, या तो हीट प्रोड्यूस होती है या तो हीट एब्सॉर्ब होती है। उसके बेसिस पर एक रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होता है या तो एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब यहां पर जो है बच्चों हीट रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक का मतलब यहां पर हीट एब्सॉर्ब होगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी टेम्परेचर किसी रिएक्शन के दरमियान अगर सिस्टम की हीट में बदलाव आया है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ। और लास्टली है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। अब ये प्रेसिपिटेट्स क्या होती हैं, जस्ट अ मिनट हियर, व्हाट आर दीज प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट लिख दिया भैया मैंने, जस्ट अ मिनट ना, प्रेसिपिटेट्स। तो तुम क्या करो, तुम एक पतीला लो, ठीक है, उस पतीले के अंदर डाल दो तुम लोग थोड़ा सा, अरे थोड़ा ज्यादा ही दूध डाल, और दूध डालने के बाद तुम क्या करो, तुम पी लो थोड़ी सी थम्सअप। थम्सअप पियोगे तो भैया तुम क्या करोगे, तुम तूफानी करोगे, और तूफानी करने के लिए तुमने क्या करा, थोड़ा सा नींबू का रस लिया और इस दूध में डाल दिया। ठीक है, रणवीर सिंह को फॉलो करते हैं ना यार, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तूफानी कर रहे हैं। तो हमने दूध के अंदर लेमन डाल दिया और दूध को हमने क्या करा भाइयो, हमने इस दूध को किया गर्म, और थोड़े समय के बाद मैंने देखा कि दूध जो था वो फट गया। अब इस फटे हुए दूध के अंदर मैं दो चीजें देख पाऊंगा, एक तो ये ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट जो है ना बच्चों, ये हमारा वे प्रोटीन है। ये जो सेरेलेक वगैरह आप लोग ने कभी पिया होगा या आप लोग देखते होंगे, वो सेरेलेक वगैरह जो है इस वे में से बनता है। उसके अलावा आप देख पाओगे यहाँ पे कुछ पार्टिकल सफेद कलर के फ्लोट करते हैं, जिसको आप अगर इस पूरे सिस्टम को फिल्टर करोगे तो ये सफेद पार्टिकल को यूज करके ही आप जो है वो पनीर बना पाओगे। ठीक है, तो ये जो सफेद कलर के पार्टिकल्स यहाँ पे आप फ्लोट करते हुए देखते हो वो हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में समझा है अभी तक कि भैया एक केमिकल रिएक्शन जो है वो चेंज होता है, चेंज का मतलब बदलाव, बदलाव होते हैं दो किस्म के, एक होता है फिजिकल एक होता है केमिकल। फिजिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है, केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हमने दोनों ही के एग्जांपल्स देखे हैं बच्चों, है कि नहीं, हमने दोनों ही के एग्जांपल्स देख लिए हैं। हमने ये भी देखा था कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। हमने समझा कि रिएक्टेंट्स क्या है, हमने समझा कि प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, फिर हमने ये भी समझा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। इसको समझने के लिए मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके अपनी प्रॉपर्टीज भुला करके एक नया सब्सटेंस बना रहे थे। फिर हमने ये भी समझा कि केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। दिस कैन बी डन बाय ऑब्जर्विंग द चेंजेस विच वुड बी ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है और आपको लगता है कि आप आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं तो जरूर शेयर करें, और जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको लगा कैसा। वो केवल तब हो पाएगा जब आप कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, घर के बाहर ना निकलें, निकलते हैं तो बी वेरी कॉशियस, कोरोना अभी भी गया नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।